सुंदर पहाड़ों, पठारों का राज्य, पलाश के फूलों की लालिमा के साथ नगाड़े की थाप और अपने सरल निवासियों की सुंदर परंपराओं की आभा अपने अंदर सजोए इस राज्य को भारत की रीढ़ भी कहा जा सकता है। राज्य में बसने वाले आदिवासियों की सरलता, प्रकृति प्रेम की अनोखी झलक हमें इनके परंपराओं में देखने को मिलती है। ये इनके पर्वों में मनुष्य और प्रकृति के अनोखे जुड़ाव को बहुत सुंदरता से दर्शाते हैं। खासकर ऋतुओं और पर्वों का अटूट नाता हमें देखने को मिलता है। वसंत आगमन झारखंड के आदिवासियों को बहुत से अद्भुत और अनोखे उत्सव मनाने का मौका देता है, जिनमें एक महत्वपूर्ण पर्व सरहुल के नाम से जाना जाता है। चैत का आगमन सरहुल की शुरुआत से होती है। फसल की कटाई और घर का अनाज से भरा होना आदिवासियों के लिए खुशी का समाचार लेकर आता है। इसी समय साल के वृक्षों में फूल भी लग जाते हैं। इन फूलों को प्रतीकात्मक रूप से नए साल का सूचक मानते हुए सरहुल आदिवासियों द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वे इस पर्व को इतना पावन मानते हैं कि अपने सारे महत्वपूर्ण कार्य इसी दिन से शुरू करते हैं। 3 दिन के इस पर्व में गांव का पाहन यानी पुजारी के द्वारा सरना स्थल में एक अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें ग्राम देवता की पूजा की जाती है और उन्हें बीते साल के लिए धन्यवाद दिया जाता है। इसके साथ आने वाला साल अच्छा हो इसके लिए प्रार्थना की जाती है। हंडियों में पानी रखा जाता है। दूसरे दिन हंडियों में पानी के स्तर की जांच की जाती है, जिसके आधार पर आने वाले वर्ष में बारिश का अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद पूजा स्थल में मुर्गों की बलि दी जाती है। लोग पाहन को अपने कंधे में बैठाकर गांव घुमाते हैं। पाहन घर घर जाकर आशीर्वाद के रूप में साल के फूल देता है और गांव के हर घर के दरवाजे पर साल के फूल लगाता है, जिससे वो परिवार व समाज सुखी संपन्न रहे। इसे फूल खोसी कहा जाता है। लोग नाच गाकर इस पर्व का आनंद उठाते हैं। सरहुल के पूजा करने के बाद ही हम लोग कोई भी धान बुआई वाई का काम या जुताई कोड़ाई का जो है होने की शुरुआत हम लोग करते हैं। और नया फल फूल जो है इसके पूजा करने के बाद ही अपना पूर्वज को गिराने के बाद में तब हम लोग इसका सेवन करते हैं। उस रोज हम लोग सरहुल के दिन अपना दामाद जी को भी बुलाते हैं, उनका मान सम्मान इज्जत सत्कार भी इसी दिन हम लोग करते हैं। आइए, हम लोग का सरहुल है, सो हम लोग का ये नया वर्ष है, इसी से हम लोग मानते हैं कि सरहुल के दिन से ही हम लोग का नव वर्ष स्टार्ट होने के पहले यही प्रार्थना पाहन के द्वारा मैंने हम लोग का किया जाता है कि भाई यहाँ जितने भी लोग हैं, अच्छी बारिश हो, धूप अच्छी हो, बारिश अच्छी हो, खेत भरा पूरा हो, उसमें अच्छा मैने कि दाना लगे और संसार के कोई भी प्राणी को इसकी कमी ना हो, चाहे वो मानव हो, दानव हो, छोटे बड़े जीव जंतु, समस्त प्राणी खुशहाल रहे, इसी के लिए हम लोग इसका पूजा करते हैं। और इसमें हम लोग तमाम चीज़ों को, पृथ्वी का हम लोग पूजा करते हैं, जो सृष्टि बनाया है उसका पूजा करते हैं, सूर्य देव का हम लोग पूजा करते हैं, जल देव का पूजा करते हैं, हम लोग जो वन देव है उसका पूजा करते हैं, जो वायु देव है हम लोग का उसको भी हम लोग पूजा करते हैं। तो इस तरह से मैंने कि पांचों तत्व जो होता है तमाम चीज़ों का ही, जिससे कि हम प्राणियों का जीवन है उसको आज वैज्ञानिक यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज उससे पहले सब कुछ के जानते हुए एहसास किए, महसूस किए और उन्हीं तमाम चीज़ों को पूजते आए। राज्य की राजधानी रांची में झारखंड के इस पावन पर्व सरहुल को बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें
राज्य के विभिन्न हिस्सों में बसने वाले आदिवासी और अन्य लोग बड़े ही उत्साह से भाग लेते हैं। सालों पहले ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित रहने वाले इस पर्व ने कालांतर में सीमा लांघते हुए शहर में बसने वाले लोगों को भी अपने रंग में रंग दिया है। और झारखंड की समृद्ध सभ्यता संस्कृति की अविश्वसनीय छाप पूरी दुनिया पर छोड़ दी है। जोड़ने की संस्कृति का धारक हमारा झारखंड आदिवासी समुदाय सभी धर्म जाति के लोग को सरहुल के माध्यम से एक शांति सूत्र में बांधकर सर्वधर्म सद्भावना का स्वर्गिक वातावरण तैयार किया है। आज सरहुल आदिवासियों का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का रंगोत्सव बन चुका है। इस भव्य समारोह में तरह तरह की नृत्यों का अनूठा नजारा देखने को मिलता है। साथ ही एक भव्य जुलूस का आयोजन भी किया जाता है जिसमें पूरे झारखंड के विभिन्न सरना कमेटी के लोग भाग लेते हैं। झारखंड के इस महान पर्व में मानव और प्रकृति के अनूठे संगम की जो झलक देखने को मिलती है वो और किसी और सभ्यता संस्कृति में देखने को नहीं मिलती है। प्रकृति के लिए यहाँ के लोगों की अपूर्व श्रद्धा को हम शत शत नमन करते हैं।